ताज़ा सही फ्रूट दे पहला वीडियो जी देख सकते हैं भी जिहड़ा रंग घोलिया मेरे हत्था नूं लगा है ये कोई रंग अनार दा जां चुकंदर दा रंग नहीं है ये रंग कलर का इस्तेमाल करते और कलर भी पता नहीं कि क्वालिटी कितना दी सब स्टैंडर्ड क्वालिटियां दा अज मैं इन्हू हदायत कर चला ना तो ये को रजिस्ट्रेशन है साड़ी फूड सेफ्टी की कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं है नैक्सट टाइम बिल्कुल ये कार्रवाई नहीं होनी उ चीज़ के सैंपल भर के असी चंडीगढ़ लैब में भेजा और जिदा भी रिपोर्ट आँगी जे कोई यह रिपोर्ट आँगी तो यह जाए चाहे जेल च जाए सड़क किनारे लाइया जूस दियां रेहड़ियां दे उत्ते हुशियारपुर च जिवें ही फूड अफसर ने अपनी टीम दे नाल चैकिंग की तां रेहड़ी वालियां नूं हत्था पैरां दी पै गई तस्वीरां च देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल फूड विभाग दियां टीमां दे वलों चैकिंग की जा रही है ते रेहड़ी वालियां वलों अनार दा जूस कह के बेचण वाले लाल रंग नूं देख के टीम दे वलों उस नूं डोलिया जा रहा गले सड़े फलां नाल जूस बना के किवें लोकां दी सेहत दे नाल इन्हां रेहड़ी वालियां दे वलों खिलवाड़ कीती जा रही सी इह सारा कुछ वीडियो दे विच साफ देख सकदे हो विच ताजा सही फ्रूट विच आ तुहाडे करतूतां आ तुहाडियां जिहड़ियां आ हां कोई रंग पापा अनार दा जूस कह के बेचदे आ गले जे पैजे जूस पा जांदे इह इकट्ठा बनाउण दा मतलब इह है कि लोकां नूं पता लग्गे की करदे आ छटा ना मारने लाता भैया ने सारे बंदे काका फूड सेफ्टी टीम आई तेरी अज शॉप इत्थे स्टॉल ते उपर देखो केड़ा रंग है अफसर लखवीर सिंह ने कहा कि अनारा दे जूस की बजाय इन्होंने वालों चुनिया नूं रंग देने वाला कलर वरत्या जाता सी अते गले सड़े फलों का जूस लोगों नूं पिला के उन्हां दी सेहत दे नाल शरीयम खिलवाड़ किया जा रहा सी जिद्दां हरियाणे च भी मिली सी पिछली बारी ते इत्थे जूस बनाउंदे आ जूस दे विच अनार दा जूस कह के ये लोग रंग पाउंदे आ रंग घोल के रखदे आ पहला वीडियो जिहड़ियां उहदे विच तुसीं देख सकदे आ भई जिहड़ा रंग घोलिया मेरे हत्थां नूं लगा आ ये कोई रंग अनार दा जां चुकंदर दा रंग नहीं है ये रंग कलर का इस्तेमाल करते और कलर भी पता नहीं कि क्वालिटी कितना दी सब स्टैंडर्ड क्वालिटियां दा अज मैं इन्हू हदायत कर चला
ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਇਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰੇਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।